जय हिंद दोस्तों, मैं हूँ रियाज। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरें सुनने के लिए हमारा चैनल यूपी ब्लॉग ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें दोस्तों। जय हिंद। नौजवान की जान हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है वो हमें अपनी चैन की नींद सुलाने के लिए आपको और हमें अपनी जान गंवा देता। वो देश द्रोही, वो आतंकवादी हमारे देश में ना घुसाए, हमारे देश में कहीं बम विस्फोट ना कर दे, कहीं हमारे देश के नागरिकों को नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं हमारे देश की सीमा को पार करके हमारे देश को नुकसान ना पहुंचा दे, कहीं मेरे देशवासियों को नुकसान ना पहुंचाए, मेरे देशवासियों की नींद हराम ना हो जाए। अपने नौजवान हमें चैन की नींद सुलाने के लिए उस सीमा पर हमारे लिए अच्छा करता है। उस नौजवान के लिए वो अपने बच्चों को छोड़कर जाता है, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़कर जाता है, वो अपनी बीवी को छोड़कर जाता है। उस नौजवान की तलाश और आस उसके घर बैठे लगाए होते हैं, उसके घर वाले कहते हैं, उसकी माँ बाप कहते हैं कि मेरा बेटा छुट्टी पर कब आएगा, उसकी बीवी इंतजार करती है मेरा पति कब आएगा, मेरे लिए कब मेरा सुहाग आएगा, कब कपड़े लाएगा। उस नौजवान के बच्चे इंतजार करते हैं मेरे पिताजी कब आएंगे, मेरे लिए खिलौने कब लाएंगे। लेकिन जब वो नौजवान इस देश की सीमा पर शहीद हो जाता है, तब उसको हमारे देश के राजभवन में लपेट कर लाया जाता है, तो उन बच्चों के खिलौने का सपना टूट जाता है, उस बीवी की सुहाग का सपना टूट जाता है, उन भूले माँ बाप को अपनी आंखों का तारा देखने के लिए सपना टूट जाता है। आज हमारे देश की वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे पड़ोसी जिले के मुरादाबाद के सांसद नेपाल सिंह कह रहे हैं कि देश का नौजवान सिर्फ मरने के लिए उठा है। मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं कि कोई आपका बेटा है हमारे देश की खातिर अपनी जान गंवाने के लिए, कोई आपका बेटा आपका परिवार में है वो देश के लिए फौज में जाए और जान गंवा दे? ऐसा अभद्र भाषा हमारे नौजवानों के लिए कि देश के नौजवान सिर्फ मरने के लिए होते हैं, हमारे देश के नौजवान हमारी देश की रक्षा के लिए होते हैं। राहुल गांधी ने आवाज उठाई, हमारे नेता, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी ने आवाज उठाई कि हमारे जितने नौजवान शहीद हुए हैं, हमारी सरकार आने पर इन्हें शहीद का दर्जा दिया जाए। अभी 47 नौजवान शहीद हुए, उन्हें हमारी सरकार कह रही है अपने लोग मारे गए, शहीद लोगों को मारे गए, वो मरे नहीं है, वो शहीद हुए। ऐसे युवा बहुत अजीब 24 घंटे में 20 घंटे काम करने वाले कांग्रेस पार्टी के लिए और राहुल गांधी युवा शक्ति संगठन के लिए काम करने वाले मेरे भाई वसीम अकरम अंसारी साहब, रात 12:02 पे इन्होंने मुझे फोन किया, या तो या मुझे अजमा रहे थे, मैंने तुरंत रिसीव किया और मुझे लगा कि वसीम अकरम अंसारी साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं कि बरेली में राहुल गांधी युवा शक्ति संगठन हमारे सारे संगठनों से अच्छा चल रहा है, जितने भी संगठन हैं हमारे 47 संगठन हैं, यूथ कांग्रेस विचार विभाग सारे संगठनों से अच्छे चल रहा है। अभी हमारे बीच बड़े भाई रही सरवन साहब मंत्री जी आपके बीच थे और एक ऐसा चेहरा आपके सामने मेरे बड़े भाई नवाब मुजाहिद हसन था, जो बरेली से लेकर नवाब मुजाहिद हसन था साहब का, तो हर अधिकारी हर नेता हर वरिष्ठ नेता सबके नाम से खड़े हो जाते, एक ऐसा सलीम पॉलिटिक्स चेहरा, वो चेहरे को देखते ही सबके साथ सब खड़े हो जाते हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा आप सब भाई नवाब मुजाहिद हसन खान के लिए तालियों से स्वागत करें, तालियां बजाकर। और इस प्रोग्राम में हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाई
इनका तो नाम सभी जानते हैं, इनकी ब्लॉग चैनल और भाई के जो जन्मे है बहुत जल्द चैनल की दुनिया में इन्होंने अपना नाम कमा लिया। थैंक यू। ऐसा युवा पत्रकार जो गांव में गलियों में आपकी समस्या को लेकर आपकी हर बात चैनल टीवियों पर दिखाने वाले भाई हमारे आपके सामने बैठे हैं। और यहाँ पर हमारे प्रदेश के राहुल गांधी संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष साथ ही बैठे हैं भाई आपका कल्याण मिश्रा, अपने दादा कल्याण मिश्रा भूरा भाई मिश्रा जी, हमारे यामिन भाई मिश्रा जी पत्रकार साहब अमर उजाला आपकी चैनल पहला परिचय आपसे बताया सब लोग जानते हैं और जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ माफी चाहूंगा, सारे लोग के नाम याद नहीं है, पहली बार इस गांव में आ रहे हैं। तो इस प्रोग्राम की शुरुआत आप और हम के बीच हुई, इसको लेकर एक ही अभी लोगों ने आपको बताया, हमारे नेताओं ने वरिष्ठ नेताओं ने कि नफरत की राजनीति करने वाले हमें और आपको बांटने का कार्य कर रहे हैं। ये देश सभी जाति सभी धर्म सभी वर्ग सभी समुदाय का देश है, हम अनेक हैं, हमारी संस्कृति हमारा कल्चर हमारी भाषा हिंदुस्तान में नहीं पूरे संसार में पूरे वर्ल्ड में दर्शाती है कि भारत एक ऐसा देश है जहां अनेकता में एकता है, वहां अनेक लोग रहते हैं हिंदू मुस्लिम बौद्ध सिख पारसी अनेक रहते हैं फिर भी एक रहते हैं। हमारी एकता और अखंडता को तोड़ने के लिए अंग्रेजों के वंश अंग्रेजों की नाजायज औलाद हमें आपको तोड़ने का काम कर रही है, क्योंकि सबसे पहला फूट डालो राजनीति का कार्य हिंदुस्तान की जनता को कमजोर कार्य करने का कार्य रानी विक्टोरिया ने किया था और वो रानी विक्टोरिया एक अंग्रेज की बेटी थी। अगर कोई हिंदुस्तान को बांटने का तोड़ने का काम करेगा तो हमारा इतिहास हमारी संस्कृति बताती है कि वो अंग्रेजों के वंश है, उसमें चाहे कोई हो, अगर मैं तोड़ने का काम करूंगा तो मैं भी अंग्रेजों के बस से कहलाया जाऊंगा। पहचान आपको करना है कि हमारे देश को नुकसान कौन पहुंचा रहा है, हमारे देश को बांटने का काम कौन कर रहा है। हमारे एक बसी बरेली साहब ने लिखा, आंधियां नफरत की यो हसरत से चलती गई, बच गए वो पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था, बच गए वो पेड़ जिनमें हुनर झुकने का था। जब जिस पेड़ पर फल आ जाते हैं वो पेड़ झुक जाता है, वो अपने फल की वजह से झुक जाता है। हम सब फलदार पेड़ की तरह हैं, हमारे भाई हमारे बहन हमारे बच्चे भी हैं। अगर हम लड़ाई में एक दूसरे पर अपना समय बर्बाद करेंगे, हिंदू और मुस्लिम कहकर हम अपना समय बर्बाद करेंगे, अगर वो अपना समय कीमती समय हम अपना अपने बच्चों पर इनका भविष्य उज्जवल बनाने के लिए इनकी पढ़ाई कराने के लिए लगा देंगे तो ये हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे कामयाब होकर कौन इनमें क्या बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा कोई इंजीनियर बनेगा कोई प्रोफेसर बनेगा। और इस गांव में जब ये बच्चे कुछ बन के आएंगे तो इस बच्चे इस गांव का नाम रोशन करेंगे। मुख्तार अंसारी साहब ने भी इस गांव में शायद जन्म लिया है, मुख्तार अंसारी साहब यही के आज मुख्तार अंसारी साहब इस गांव में जन्म लेकर बरेली में पहचाने जाते हैं तो उनके गांव का नाम आता है। ऐसे ही ये बच्चे हमारे जब पढ़ लेकर आगे बढ़ जाएंगे तो ये आपके गांव का नाम रोशन करेंगे, आपके गांव के साथ ये किस ब्लॉक का गांव है उस ब्लॉक का नाम रोशन करेंगे, ये किस विधानसभा का
गांव आयोग विधानसभा का नाम रोशन करेंगे, किस जिले का गांव आयोग जिले का नाम रोशन करेंगे, किस प्रदेश का है और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे, ये पूरे देश में चलेंगे। तो सबसे पहला सितारा ये बच्चे, हमें इनके भविष्य की बात करना है, ना हिंदू की बात करना है ना मुस्लिम की बात करना है, हमें इन बच्चों के भविष्य की बात करना है। भविष्य, मैं भी प्राइवेट स्कूल कॉलेज एसोसिएशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। भारत में जितने स्कूल कॉलेज हम कहीं भी चीफ गेस्ट बनकर जाते हैं तो सबसे पहले हम शिक्षा की बात करते हैं। वही देश आगे बढ़ सकता है जिस देश के युवा पढ़े लिखे हों, जिस देश के बच्चे पढ़े लिखे हों, जिस देश के लोग पढ़े लिखे हों। अगर हमारी शिक्षा, हमारी तालीम कमजोर हो गई तो हम कमजोर हो जाएंगे। साथियों, बात हमारी राहुल गांधी युवा शक्ति संगठन की है। ये वो संगठन है जो राहुल गांधी से डायरेक्ट टच में रहता है। उस टच के लिए आपकी बात राहुल गांधी तक पहुंचाने के लिए बरेली के जिलाध्यक्ष मुख्तार अंसारी को बनाया गया है। आपके गांव का ही नहीं, बरेली की 9 विधानसभाओं का, 15 ब्लॉकों का, 2 लोकसभाओं का अध्यक्ष भाई मुख्तार अंसारी जब जिलाध्यक्ष इन्हें बनाया गया है, मुझे पूरी उम्मीद है ये अपना जिलाध्यक्ष का पद संगठन को मजबूत करने के लिए करेंगे। और जिसने ये जान पड़कर बनाया है भाई चौधरी रंधावा सिंह जी हैं आपके भी, भाई वसीम अकरम अंसारी साहब हैं आपके भी। राहुल गांधी युवा शक्ति संगठन के लिए ये देश युवाओं का है, नौजवानों का है, ये देश किसानों का है। किसान और नौजवान हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। किसान वो जो पूरे देश को अन्न उगाकर हमारे देश के नागरिकों का, हमारे देश के लोगों का पेट भरने का काम करता है, वो किसान जो ठंड में अपने खेतों को देख कर जाता है, वो देखता है मेरी फसल कहीं कोई नील गाय या गाय खराब ना करते, उस ठंड में अपनी फसल को देखता है, 6 महीने में उसकी फसल तैयार।